Hello everyone and my dear students, good morning to all of you. नीतू गर्ग आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर हार्दिक स्वागत करती हूँ. अभी तक हमने अप्रैल से लेकर और जून के एंड तक 10वीं 11वीं और 12वीं के एसएसटी और हिस्ट्री के बहुत सारे लेसन किए हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि क्यों ना हम क्विज रखें और नाम देंगे इसे संडे स्पेशल, बिकॉज एवरी डे है समथिंग लर्न टू न्यू. इसी के तहत अब हम देखते हैं कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी है. पहला क्वेश्चन है, और याद रखिए कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे. ए बी सी डी में से जो भी आंसर है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और एंड में आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए. हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी का नाम. मगध महाजनपद जो है उसकी जो शुरू में राजधानी थी उसका क्या नाम था. ऑप्शंस हैं राजगहा, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और कलिंगा. आपके पास 10 सेकंड का समय है और फटाफट आप जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई थिंक कि अभी तक आपने अपना आंसर जो है वो लिख दिया होगा, तो चलिए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है. इसका सही आंसर है राजगहा. प्यारे बच्चों, एक्चुअली मगध महाजनपद की दो राजधानियां रही हैं, जो आरंभिक यानी कि शुरू में रही है वो राजगहा है, जबकि जो बाद में रही है वो पाटलिपुत्र है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक का नाम. तेरे बच्चों, आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी मौर्य वंश के बारे में सुना होगा और हमने अपनी पिछली तीन जो वीडियो इसके ऊपर बनाई थी लेसन के ऊपर उनमें भी हमने खूब इसके ऊपर विस्तार से पढ़ा है. अब आपको ये बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या है और इसके ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक. अब आपके पास 10 सेकंड का समय है और फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. टाइम्स अप. इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उन्होंने ही 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी थी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से है. ऑप्शंस हैं गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश. आप सबके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. इसका सही आंसर आपने लिख ही दिया होगा और बहुत आसान है, आप सब जानते हैं. चलिए हम फिर भी बता देते हैं कि सम्राट अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के महाकवि कौन थे. ऑप्शंस हैं हरिसेन, रुद्रसेन, वीरसेन, वागसेन. इन चारों में से आपको किसी एक का नाम बताना है और ए बी सी डी में से कोई भी एक अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए. आपके पास है 10 सेकंड का टाइम.
इसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर है हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, बड़ी ही वर्ल्ड फेमस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें उन्होंने एक ही वाक्य के अंदर जो 33 लाइनों का है, चंद्रगुप्त की जो तुलना है वो देवताओं से की है, उनकी जो है प्रशंसा लिखी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेलालर कौन थे? ऑप्शंस हैं दास, श्रमिक, किसान, जमींदार। यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आपने आंसर लिख ही दिया होगा यदि आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तभी हम वो जरूर बताएंगे। और वेलालर जो है ये संगम साहित्य के अंदर तमिल भाषा में लिखा गया शब्द है, और वेलालर का अर्थ होता है बड़े जमींदार। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां आपकी लाइब्रेरी में भी अवश्य मिलेंगी। पंचतंत्र के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, विष्णु शर्मा और हरिहर। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अवश्य, और बताइए। टाइम है, अभी स्टार्ट करती हूँ, टाइम शुरू। लीजिए, टाइम हुआ खत्म। और पंचतंत्र के लेखक का सही नाम है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो जानवरों के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन हमारे जीवन को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमने अपने लेसन के अंदर पीछे पढ़ा था कि सबसे पहले जो है आहत सिक्के बनाए गए, फिर तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के भी बनाए गए। तो जब इनकी स्टडी की जाती है, जब इनके बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। टेन सेकंड्स पूरे हो गए हैं। इसका सही आंसर है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और इस स्टडी को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा? ऑप्शंस हैं 1832 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1838 ईस्वी और 1833 ईस्वी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम समाप्त हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1838, और तभी हमें सही मायने में मौर्य काल, उसके बाद के जो राजवंश है उनके समय के बारे में सही से ज्ञान प्राप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैगनीज भारत कितने वर्ष रहा? आप सब जानते हैं कि एक यूनानी लेखक हुए हैं, यूनानी दार्शनिक रहे हैं मैगनीज, और वो जो है भारत आए। अब आपको बताना है कि वो यहाँ कितने वर्ष रहे। ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष।
आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स मार्क चलिए बच्चों, इसका सही आंसर है 5 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैग्नीज जो है भारत आए, 298 ईस्वी पूर्व तक वो रहे, 302 ईस्वी में वे भारत आए थे, 302 से लेकर 298 तक लगभग 5 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे? ऑप्शंस हैं 321 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 321 ईस्वी, अब ईस्वी पूर्व नहीं है, और 325 ईस्वी। अब आपको सही आंसर चूज करना है और बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय सीमा खत्म होती है, जल्दी से अब आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है 321 ईस्वी पूर्व। हम पिछले दो काफी सारे क्वेश्चंस में इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिंहासन पर 321 ईस्वी पूर्व बैठे, और तभी से मौर्य जो साम्राज्य है मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ये हमारे लिए एक सरप्राइज है संडे स्पेशल के नाम से, इसे करिएगा जरूर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको तीनों वीडियोस के लिंक दे दूंगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इस लेसन से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।